एज आई एंटर्ड इन द स्कूल, तो यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप लगी हुई है भाई, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या सीखने को मिलेगा। जो जो मेरे को मिलेगा मैं वो बताऊँगा साथ के साथ। अभी तो हम बहुत जल्दी आ गए, कोई और आया नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट स्टूडेंट हैं हम यहाँ पे, तो बच्चे भी नए बेसिकली जो यहाँ पे पढ़ते हैं। मेरे को लगा कि मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है घर से, तो मैंने पिछली क्लिप में ऐसे ही दिखा दिया कि पिछली क्लिप में कि आ चुका हूँ मैं और कॉलेज में यहाँ पे स्कूल में। तो बेसिकली ये एक स्कूल है जहाँ पे सारे फिजिकली चैलेंज बच्चे आते हैं, और यहाँ पे आज मैं दो न्यू फ्रेंड से मिलाऊँ तो भाई बहुत खुशी हुई है। इसी बहाने कॉलेज में आने का मन भी करेगा, तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत एक चांस भी मिलेगा कि हाँ बात कर लो ये सब एंड ऑल। फिलहाल के लिए अंदर चल रही है बच्चों की प्रेयर और दोनों फ्रेंड थे हुए कहीं पर घूमने, तो हो सके तो शायद मिलवाऊँगा मैं, नहीं तो ज़्यादा चांस है नहीं। शर्म आती है मेरे को भी, उनको भी यही वाला चक्कर रहता है, तो आएंगे तो देखते हैं। फिलहाल के लिए जो जो होगा आगे आगे बताता रहूँगा, दिखाता भी रहूँगा। तो आवाज़ें तो सुन सकते होगे आप पीछे। सो गाइज फाइनली अराइविंग फ्रॉम द स्कूल, द स्कूल नेम इज स्किल स्कूल फाउंडेशन। तो भाई जा रहे हैं बस अपना देखते हैं, पहले तो भूख लग गई है, तेल भी भरवाना है, खाना भी खाना है और फिर घर ही जाना है सीधा, तो देखते कहाँ कहाँ जाते हैं। गाइज फाइनली रीच्ड होम 6:09, तो इस टाइम पे पहुँचा हूँ भाई घर पे, पूरे दिन का थक चुका हूँ बहुत तगड़ा। तो बस कॉलेज के और दिन के बारे में ना, मतलब स्कूल के और दिन के बारे में सो के उठने के बाद बात करूँगा, तो मैं तो अपनी भी भाई नींद पूरी करूँगा। तो भाई उठ के बात करते हैं और फिर एडिट शेडिट भी करेंगे कल के व्लॉग को, और फिर अपलोड भी करेंगे दुकान पर जाके। फिलहाल के लिए सो जाता हूँ और फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो भाई घर पर आने के बाद आज खाने में मिल रहा है भाई मटर पनीर राजमा और रोटी, तो खा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली उठ चुका हूँ और भाई अब मम्मी के साथ जा रहा हूँ एक बार, पहले तो दुकान पे जाऊँगा और फिर आटा चक्की पे जाना है। तो आटा चक्की पे बेसिकली भाई बहुत पहले जाना था लेकिन लक्की लेके नहीं आया, तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा, ये कुछ काम तो करता है नहीं, तो इसी वजह से मैं, अगर दुकान खुली हुई होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं खुली होगी तो तभी भी अच्छी बात है, फिर सुबह का खाना कैंसिल हो जाएगा और फिर बाहर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी 3:30-4 बजे तक तो कुछ खाया ही नहीं था। उसके बाद जब वापस आया, तब वापस आते हुए रास्ते में तब मैंने खाना खाया सुबह से, तो भाई गलत है, बहुत गलत है। और मेरे को भी बेसिकली सच में भूख लग रही थी लेकिन टाइम मिला नहीं था खाना खाने के लिए, आसपास वहाँ पे कुछ है भी नहीं कि खाना कहीं से खा सके, तो अपना ही लंच लेके जाना पड़ता है। तो कल इसलिए सोच रहा था कि लंच लेके जाऊँगा, लेकिन अब चक्की अगर खुली मिली तो ये सारी बात, नहीं तो फिर मुश्किल ही है कल का भी खाना। तो ये पब्बी भी कर दिया अंदर और मम्मी भी आने लग रही है, और फिर आज फिर स्कूल के बारे में बताऊंगा सब कुछ, कैसे क्या था कैसे नहीं, क्योंकि यार मेरा ना वर्बल, मम्मी को अलग बताओ फिर लक्की को अलग बताओ फिर और दोस्तों को अलग बताओ, तो बार बार ना अलग बताने का मन नहीं करता, एक ही बार ही बता दूंगा व्लॉग में, व्लॉग देख ही लेते सब, इसमें उनका फ़ायदा मेरा फ़ायदा। तेरा फ़ायदा क्या बाहर आने में, अंदर अंदर वाले अंदर वाले खोल क्या, चलो खोल दो, एक मिनट लगेगी इसका खाना बनाने में भी, इसको भी छोड़ देते। हाँ क्या चाहिए तेरे को, सेकंड कर दे, सेकंड कर दे, सेकंड सेकंड वेरी गुड। सो गाइस अभी सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट हो रखा है कि मेरे को नरेला जल्दी से जाना पड़ेगा आटा वाटा लेने के लिए, तो आटे का सिनेरियो ऐसा है कि दुकानें सारी बंद हो चुकी है आटा चक्की वाली, तो मौसी से ही लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा इसी वजह से, तो कल जब भी लेंगे उनका तो वही वापस कर देंगे, वो अपना हम खुद देख लेंगे, लेकिन कल ज़रूरी है सुबह सुबह खा से लाए, रात को भी खा से लाए, तो इसलिए जाना पड़ेगा वहाँ पर। और बाय द वे फ़ोन में बैटरी नहीं है, एक्सपोर्ट तो हो चुका है, एडिट भी हो चुका है व्लॉग, लेकिन अपलोडिंग रह रखे, तो मैं ऐसे ही यहीं पर फ़ोन रख के जा रहा हूँ, तो देखता हूँ वापस आते हो अगर अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई जयराम जी की फिर तो कल ही होगा अपलोड व्लॉग। तो फिलहाल फ़ोन में बैटरी नहीं इसलिए ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं लेते, तो मिलता हूँ गाइस घर जाने के बाद और बताता हूँ आज मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ। सो गाइस एट लास्ट आ गया हूँ अपने रूम में, और भाई लाइट वाइट जला लेता हूँ पहले, तो फिर देखते हैं क्या है आज बताने में के लिए। फिलहाल के लिए ऑल आउट ऑन कर देता हूँ क्योंकि मच्छर यहाँ पे भाई ज़्यादा रहते हैं सेकंड फ्लोर पे भी। सो बाय द वे आज क्या क्या हुआ स्कूल में, पहली बात तो भाई 9 बजे पहुँच गए सुबह सुबह, क्योंकि टाइमिंग से ये बताई गई थी एंड क्लासेस स्टार्ट होनी थी 9:30 बजे से। इसके अलावा भाई जब सारे बच्चे वगैरह आए तो पता लगा काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स के बच्चे आते हैं, अलग अलग
कैटेगरीज के बच्चे आते हैं तो सबको अलग अलग रूम्स में बिठाया जाता है उनके टाइप के अकॉर्डिंग। तो जो मेरा मोड था वो मॉडरेट मोड था। इसमें वर्बल बच्चे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं, सबसे इजी टास्क बेसिकली मेरे को ही मिला गया था। तो जो लीडर साहिब थी अपनी, उनको मिला सबसे हार्ड टास्क। तो उसमें क्या होता है, सबसे छोटे वाले बच्चे होते हैं द इनिशियल सोन, तो उन्हें कुछ भी नहीं आता, मतलब बहुत हार्ड होता है उनको एक तरह से ट्रेन करना, समझाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना सबसे हार्ड उन्हीं के साथ होता है। तो इसके अलावा जो बीच वाले आते हैं उनको कह सकते हैं हम नॉन वर्बल में, उन्हें नॉन वर्बल में ले सकते हैं, वोकेशनल में भी ले सकते हैं, तो इनकी टर्म वोकेशनल है एक। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ऐसा होता है कि जो अपने बच्चे होते हैं वो समझ बहुत कम समझ पाते हैं और बोल भी नहीं पाते, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी होती है, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है और फिजिकली चैलेंज्ड भी होते हैं। तो ये सारे टाइप नॉन वर्बल वाले में आते हैं। तो जो सबसे हार्ड है वो वाला इनिशियल वन का है, सेकंड हार्ड यही वाला जो अभी मैंने नॉन वर्बल का बताया था, और सबसे इजी वाला मेरे वाला था। तो मेरे को इजी वाला ही मिला गया, लेकिन मेरे लिए वो भी हार्ड था। तो और दो का तो क्या ही हाल हुआ होगा, ये तो समझ ही सकते हो आप मेरे कहने से कि किस किस टाइप के बच्चे आते। तो एक तो बच्चा उनमें से, मतलब जो मेरे को स्टूडेंट मिला गया जिस पर मैंने वर्क करा, उसका नाम था पूजन। तो बहुत बार भी रिपीट करने के बाद हम यूँ सोचते हैं उनकी नर्सरी वाले किड से एक तरह से रिलेट करते हैं कि अगर मैं इसको ये चीज़ समझाऊंगा तो ये समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उनको हज़ार बार भी वो चीज़ समझाओगे तो बहुत धीरे धीरे करके समझ पाएंगे, जल्दी से बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो उनके साथ डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसके साथ ही साथ एक्टिविटी के अलावा उनको कुछ ना कुछ पढ़ाना भी पड़ता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, बहुत सारी बेसिक चीज़ें। तो वीक डेज़ वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है सिखाने पढ़ाने के लिए। तो आज मैंने काफ़ी सारा इन चीज़ों पे वर्क करा, और तो बस मेरे को यही लगा, एक चीज़ जो मेरे को लगी कि भाई सुबह अगर बच्चे 9 बजे आ जाते हैं, 9:30 मान लो, तो 9:30 से 4 बजे तक का उनका स्कूल होता है। तो आई थिंक टीचर्स और जो हम जैसे अभी ट्रेनी आए हैं उनके लिए हार्ड हो जाता है 4 बजे तक सफ़र करना, तो बच्चों के लिए तो कितना ही हार्ड होता होगा। तो बस मेरे को ये कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि टाइमिंग्स कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन औरों ने भी कुछ सोच समझ के करा होगा, तो इस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक मैम से जिससे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कई स्कूल तो 5-5, 6-6 बजे तक भी होते हैं, तो फिर भी 4 बजे तक का है। तो मेरे को ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत लगी, कहीं ना कहीं टाइमिंग ज़्यादा है। तो बस यही था आज के दिन में, कल का दिन देखते हैं कल के दिन में जाके कैसा होगा। टोटल स्ट्रेंथ अपनी क्लास में आज 7 स्टूडेंट्स की थी, जिनमें से सारे मिक्स थे, लेकिन सबके लेवल अलग अलग थे, बट सब बोल सकते थे। उसमें वर्बल वंस सारे एक ही क्लास में थे। तो यही सब था, देखो कल अगर यही क्लास मिलती है या उससे अलग मिलती है, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल आज के व्लॉग में यही सब था, इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। और मेरे को ये चीज़ और पता लगी कि ये दिन मेरी ऐसे क्लासेस इंटर्नशिप 15 दिन तक है। तो इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, जय हिंद।